एक तो मुंबई में हर जगह पूरी रोड खोद रखे, क्या वो बना लिया दिल, बहुत सारे कपल्स हैं। ओ वाओ, अरे आगे दीदी चल रही, उनके साथ के हम तो पड़ेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं वर्सोवा बीच। घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था तो मैंने किया राजू को कॉल। मैंने बोला चलो राजू जाएंगे वर्सोवा बीच। अभी दोपहर के 3:40 हो रहे हैं, सो मस्त सनसेट देख के रिटर्न आएंगे। आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा वर्सोवा बीच। रॉन्ग वे घुसते हुए आ रहे हैं, सब रॉन्ग वे इधर उधर से घुस जाते हैं, फिर इंसान हमारा हो जाता है। अभी ठंडी का मौसम है लेकिन धूप इतनी गंदी लग रही है ना मेरे को, और ऊपर से मैं ऐसा स्वेट शर्ट पहना हूँ ना, इसमें और गर्म हो रहा है। वहाँ चल के दिखा था तुम लोगों को वर्सोवा बीच। ये सिग्नल बहुत लंबा लग गया है, यहीं पे खड़े हैं हम लोग तब से। इतने टाइम इतना गंदा ट्रैफिक हो रखा है ना, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, ऑफिस वगैरह छुट्टी रहेगी, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। पूरा साकी नाका से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ से पूरा जाम है, बस अभी थोड़ा थोड़ा मूव हो रही है। कार वार लेके आता तो फंसे ही रहता था, तो इतनी ट्रैफिक वगैरह झेलने के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं वर्सोवा बीच। खड़ा करते हो मैं मेरी स्कूटी, और राजू भैया मज़ा आया गाड़ी चला के। हाँ, एक तो मुंबई में हर जगह पूरी रोड खोद रखे, इसके वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, तो जगह खोद के रखे हर एक जगह, और इतना खोद दिए गए ना उसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो कैसा लग रहा है अभी गोराई बीच? अरे यार गोराई बीच पता नहीं क्यों मेरे मुँह में बहुत आ रहा है। हाँ, कैसा लग रहा है अभी वर्सोवा बीच? भरा भरा, हमेशा सुबह आए ना यहाँ। एक्चुअली आज हम लोग फर्स्ट टाइम ये टाइम पे हैं, नहीं तो जब भी आते हैं हम लोग मॉर्निंग में ही आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पानी के यहाँ पे, और जिसको वाटर एक्टिविटी करना है वो भी कर सकता है यहाँ पे। कुछ लोग आके आराम से बैठ के चिल कर रहे हैं, और ये राजू को देखो यहाँ पे जब भी आता है ऐसा हार्ट बनाने लगेगा बच्चों की तरह, कुछ ना कुछ करने लगता है। वही मैं सोच रहा था कि अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, तो ये चालू हो गया, दिल भी बना रहा है। कुछ लोग वहाँ पे बैठ के मस्त अच्छे से चटाई वगैरह बिछा के पिकनिक मना रहे हैं, तो यहाँ पे रील्स वगैरह भी बनाने लोग आते रहते हैं। क्या वो बना लिया दिल? ये कैसा दिल है? और यहाँ पे कपल्स वगैरह भी आते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, लोग जॉगिंग वगैरह के लिए भी आते हैं। सो मस्त, अभी वर्सोवा बीच पे हम लोग घूम रहे हैं, बस पानी के वहाँ गए, पूरा एक राउंड मारे। कोई हॉर्स राइड कर रहा है, तो कोई वाटर एक्टिविटी कर रहा है, तो कोई कपल्स वहाँ पत्थर पे बैठे हैं, और कोई फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है दारू पीते हुए कुछ ऐसा ही। और इतना मस्त वेदर हो रखा है, धूप है लेकिन हवा जो चल रही है मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है, गर्मी के ऐसा नहीं कि पूरा गर्म हवा। जब अपन वो ब्रांड शूट के लिए आए थे तभी मॉर्निंग में आए थे, इतना तेज धूप लग रही थी। हाँ, ये टाइम पे बहुत सही वेदर है, और बीच पे यहाँ पे बाइक भी लेके आए, अपनी स्कूटी लेके आ जाए क्या अपन बीच पे? तो अभी मस्त आके पत्थर पे बैठा और बहुत पीसफुल लग रहा है, और मस्त सामने अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ से कितना ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है बीच, और वाकई में नीट एंड क्लीन है, और ये वीडियो देख के आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कितना पीसफुल लग रहा है। और एक बार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राजू भैया बैठे हैं हमारे स्माइल करते हुए। तो ऐसा ही कुछ है वर्सोवा बीच, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया हूँ मैं। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकलना चाहिए, सनसेट होने को अभी भी टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे कपल्स हैं जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं यहाँ पे रुकने के लिए। इन कपल के वजह से मैं यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ, नहीं तो मैं रुकता था, और बट कोई सीन नहीं, चल आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह भी चालू है, अभी देखो। ओ वाओ, मैं तो मेरी लाइफ में ऐसा एक भी बैक फ्लिप मारा ही नहीं, क्योंकि अभी इंटरेस्ट ही नहीं था ये सारी चीज़ों में। तो जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे क्राउड बढ़ते जा रहा है बीच पे, क्योंकि सब सनसेट देखने आते होंगे। अगर आप लोग यहाँ वर्सोवा बीच पे आते हो, आपको ATV राइड मिल जाएगी, हॉर्स राइडिंग मिल जाएगा, वाटर एक्टिविटी मिल जाएगा, तो यहाँ पे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा ज़रा भी दिल नहीं था जैसा कुछ करने का। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो वर्सोवा बीच पे बहुत मज़ा आया, अभी हम लोग वर्सोवा बीच से निकल रहे हैं। तो आने के टाइम पे राजू स्कूटी चला रहा था, और जाने के टाइम पे मैं, और अभी जाने के टाइम पे तो मेरे को लगता बहुत ट्रैफिक मिलेगी, क्योंकि आने के टाइम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। अभी 6 बजने आ गए, अभी यहाँ से घर जाते जाते भी 1 घंटा लग जाएगा, जैसा कि मुझे लग रहा था कि ट्रैफिक मिलेगा, और सही में अभी ट्रैफिक हो गया है। और अभी तो शाम के 6 ही बज रहे हैं, और मस्त एकदम ठंडा ठंडा हवा लग रहा है यार। मुंबई में भी काफ़ी ठंडी बढ़ गई है, मुंबई में पहले इतनी ठंडी नहीं होती थी, इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंडी दिख रही है। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि अगर अभी कार में होता था तो पक्का आराम से 2-2.5 घंटा लगता था घर पहुँचने के लिए, बट क्या स्कूटी पे उसको साइड साइड से भी चलने मिल रहा है, बहुत लंबा ट्रैफिक हो गया।
जरा ट्रैफिक दिखा दो, ट्रैफिक दिखा दो, इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है अगर अब ये कार में जो लोग हैं ना आराम से दो ढाई घंटे में पहुंचने वाले हैं। अरे आगे दीदी चल रही, उनसे बस के सुनना पड़ेगा। ये कभी भी कहीं पे भी आके जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में। ये देख लो गाइस, ऐसे ऑटो वाले कहीं भी रॉन्ग वे किधर भी कहीं भी घुस जाते। एक मिनट रुक जाओ चाचा, एक मिनट रुक जाओ, रॉन्ग वे आ रहे उसमें से भी रुकना नहीं है। और एकदम मस्त उड़ के देख रहे चीज़ें। अरे यार ये लाइन कटिंग हो जाएगा बहुत। तो अभी मैं घर पे आ गया हूँ, आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहने वाला। ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।